इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो हमारी आवर वंडरस वर्ल्ड बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 10 का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन सी थ्रू ग्लास बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड। आप जो है ग्लास का यहाँ पर मतलब है कांच। ठीक है, तो आप कांच में से तो आर पार चीज़ें देख सकते हैं लेकिन वुड यानी जो लकड़ी है उसमें से हम आर पार चीज़ों को नहीं देख सकते। मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। तो ऐसी चीज़ें जिनमें से कि भाई आप आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट यानी जो कांच है वो क्या है, पारदर्शी है, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। बट वुड इज़ ओपेक, लेकिन जो लकड़ी है वो क्या है, ओपेक है यानी अपारदर्शी है। सेकेंड बॉक्स में कहा है सम थिंग्स आर इन बिटवीन, कुछ चीज़ें होती हैं बीच की। दैट इज़ यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शियली, जिसमें से कि आप कैसे देख सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो या धुंधला आपको दिखाई देता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। फाइंड सम मटेरियल्स दैट आर ट्रांसलूसेंट, तो ऐसी कुछ और चीज़ों के नाम बताओ या ढूंढो जो ट्रांसलूसेंट है, जैसे कि ग्लास हो गया, बॉटल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 4 है, ये आप कर लेना, ये भी आप कर लेना। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, डू यू नो ग्लास इज़ मोस्टली मेड ऑफ सैंड, तो जो कांच है वो ज़्यादातर किससे बना होता है, रेत से बना होता है। फिर ये एक्टिविटी आ गई है, डज इट बैंड, यह झुक सकती है, क्या यह झुक सकती है। खुशी इज़ टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो जो खुशी की टेबल थी वो लकड़ी से बनी थी। व्हाट एल्स इज़ यूज्ड टू मेक टेबल्स, और टेबल्स बनाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ होता है, कैसे बनती है टेबल। ठीक है, कैन वी यूज़ फैब्रिक और रबर टू मेक अ टेबल, क्या हम एक टेबल बनाने के लिए फैब्रिक या रबर का यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं तो वाई क्यों कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर देना है। वुड इज़ हार्ड एंड रिजिड वाइल फैब्रिक इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। वुड जो होता है वो हार्ड होता है और कठोर होता है। ठीक है, रिजिड यानी कठोर, लेकिन जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और लचीला होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स इट मोर सुटेबल टू मेक क्लॉथ्स एंड कर्टेन्स, तो जो फैब्रिक है वो लचीला तो होता ही है, इसीलिए जो फैब्रिक है वो ज़्यादातर किस चीज़ के लिए सुटेबल है, क्लॉथ्स यानी कपड़ों के लिए, कर्टेन्स यानी पर्दे वगैरह हो गए इनके लिए। इमेजिन इफ़ क्लॉथ्स वर मेड ऑफ वुड, तो कल्पना करो यदि कपड़े जो हैं वो लकड़ी के बने होते तो। फिर यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हैं, ये अपने आप कर लेना। डज इट फ्लो, क्या ये तैरते हैं। इन हर ऑड पेयर्स खुशी प्लेफुली रॉट वॉल्स कांट बी मेड ऑफ वाटर, तो खुशी जो है मजाक में लिखती है और कि जो दीवारें हैं वो जल से नहीं बन सकती। वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल, हम जो दीवारें हैं वो पानी से नहीं बना सकते क्योंकि वो गिर जाएंगी। वट एल्स कुड हैपन टू वाटर वॉल्स, और क्या हो सकता है अगर जल की दीवार हो तो। वी नीड सॉलिड थिंग्स सच एज स्टोन्स ब्रिक्स और वुड टू मेक वॉल्स, और हमें वॉल्स बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सॉलिड चीज़ों की। ठीक है, जैसे कि स्टोन्स हो गए, ब्रिक्स हो गई, वुड हो गया। ठीक है, थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड, तो ऐसी चीज़ें
जो अपनी शेप को चेंज नहीं करती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड। वाटर डज नॉट कीप इट्स शेप, पानी की जो है अपनी कोई शेप नहीं होती है। इट फ्लोज, वो क्या करता है, फ्लो करता है, तैरता है। एयर फ्लोज टू, और हवा भी जो है वो भी तैरती है, फ्लो करती है, बट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन एक अलग तरीके से। इफ़ यू पॉर वाटर इन टू अ कप इट स्टेज देयर, अगर आप एक कप में पानी डाल देते हो, ठीक है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, स्टेज यानी ठहर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस गिलास में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड यानी कि पानी पानी वगैरह भरा हुआ है, ठीक है, तो जो पानी है वो इस गिलास में क्या हो गया है, ठहर गया है। वाटर इज़ अ लिक्विड, वाटर क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। एयर डज नॉट स्टे इन अ कप, लेकिन जो एयर है, जो वायु है, वो कप में ठहर नहीं सकती। इट जस्ट फ्लोट्स इन एंड आउट, वो क्या करती है, वो फ्लोट करती है अंदर भी और बाहर भी। दैट इज़ बिकॉज एयर इज़ अ गैस, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो एक गैस है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है तीन चीज़ों में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया और ये गैस की फॉर्म में हो गया, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी दी है इसी से रिलेटेड, ये भी आप कर लेना। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है, इसके मीनिंग को समझेंगे। खुशी ड्रू अ पिक्चर ऑफ अ मैंगो ट्री, जो ये खुशी है ये एक मैंगो ट्री की पिक्चर बनाती है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, विद अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन इट। मतलब इसमें मैंगो जो है वो ग्रो किए हुए हैं, यानी बड़े हुए हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा होगा ना, कितने बड़े बड़े मैंगो हैं, और एक बर्ड भी यहाँ पर बैठी है। द ट्री मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस बट ऑकर नेचुरली इन अ नेचर, इन नेचर, ठीक है। जो ये बर्ड और ट्री है ये ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाए गए, ये क्या है, नेचुरली हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, जो हमें प्रकृति से मिले हैं। थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल, तो जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल थिंग्स मे बी अलाइव, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो शायद जीवित होती हैं, जीवित हो सकती हैं, लाइक जैसे प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सांस ले सकते हैं, तो ये क्या हो गई, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। इसमें जीवित चीज़ें भी आ सकती हैं और जो नॉट अलाइव है वो भी इसमें आ सकती है। नॉट अलाइव में जैसे कि लाइक रॉक्स हो गई, वाटर एंड एयर, ठीक है, तो ये जो रॉक्स और वाटर है ये सांस तो नहीं ले सकते ना, तो नॉट अलाइव और अलाइव दोनों ही चीज़ें नेचुरल में आ सकती हैं। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, ऐसी चीज़ें जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं, लाइक क्लॉथ्स, शूज़, टेबल्स एट्सेट्रा, जैसे कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, टेबल्स हो गई, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये जो आपका चैप्टर था 10th चैप्टर, ये यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, थैंक यू।